A very good morning one and all. My name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. तो देखते हैं 30 अक्टूबर के करंट अफेयर, साथ में उनके जीके शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हम देते हैं सबसे ऊंची रेलवे लाइन। अभी हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन बनाने की घोषणा करी है, तो ये घोषणा किसने करी है? तो करी है भारतीय रेलवे ने इसकी घोषणा करी है। और ये किस कहाँ से कहाँ तक बिछेगी ये रेलवे लाइन? तो बिछेगी लद्दाख से नई दिल्ली की को ये रेलवे लाइन जोड़ेगी। अब यहाँ पर भारतीय रेलवे की बात हुई तो भारतीय रेलवे का अपन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे जो रेल मंत्री है वो कौन है? पीयूष गोयल हैं। बात करते हैं अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं अश्विनी लोहानी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं स्वतंत्रवाद के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, स्वतंत्रवाद के पहले रेल मंत्री थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है IDFC बैंक। अभी IDFC बैंक का हाल ही में बदलकर नया नाम रखा गया है, तो क्या नाम रखा गया है? उसका नाम रखा गया है IDFC फर्स्ट रख दिया गया है। IDFC फर्स्ट रखा गया है। अब IDFC फर्स्ट क्यों रखा गया है? क्योंकि IDFC बैंक का मर्जर हुआ है किसके साथ? कैपिटल फर्स्ट के साथ इसका मर्जर हुआ है। तो IDFC बैंक का IDFC ले लिया और कैपिटल फर्स्ट का फर्स्ट ले लिया, तो इसमें ला के IDFC फर्स्ट, दोनों से मिलकर IDFC फर्स्ट इसका नाम रखा गया है। बात करते हैं IDFC बैंक की, तो IDFC बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। बात करते हैं स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 2015 में, इसकी स्थापना करी गई थी। बात करते हैं इसका MD और CEO कौन है, तो इसके MD और CEO है राजीव लाल, इसके MD और CEO हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018। अभी हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का 6वां संस्करण हुआ है, और इसमें विनर कौन रहा है? तो इसमें विनर रहा है क्लासा सोसा, इसमें विनर रही जो मिस प्रागवी थी। कौन रहा है विनर? क्लासा सोसा इसमें विनर रही है। बात करते हैं फर्स्ट रनर अप कौन रहा है, तो फर्स्ट रनर अप एक भारतीय रही है, तो उनका नाम क्या नाम है? उनका नाम है मीनाक्षी चौधरी। आप मैप में देख सकते हैं फोटो में, यह है मीनाक्षी चौधरी जो फर्स्ट रनर अप रही है, और विनर रही है क्लासा सोसा जो मिस पराग्वे है। बात करते हैं मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 का 6वां संस्करण कहाँ पर हुआ है, तो हुआ है म्यांमार में, आयोजित किया गया था। कहाँ पर हुआ था? म्यांमार में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है सड़क संचार सुधार के लिए $425 मिलियन। अब हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को सड़क संचार सुधार के लिए $425 मिलियन दिए हैं। किसको दिए हैं? बांग्लादेश को दिए हैं। और किस लिए दिए हैं? सड़क संचार सुधार के लिए। अब बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। यहाँ के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना करी गई थी। बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो मुख्यालय है Washington DC में। बात करते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का नाम है किम योंग किम, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बात करते हैं CEO, तो CEO है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, यहाँ के CEO है। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल मैंने लिख रखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम देते हैं नवीनतम फीफा रैंकिंग। अभी हाल ही में नवीनतम फीफा रैंकिंग जारी की है, तो इस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहा है बेल्जियम, इस पर शीर्ष पर रहा है। और सेकंड स्थान पर कौन है? तो सेकंड स्थान पर है फ्रांस, सेकंड स्थान पर है। बात करते हैं बेल्जियम की, तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं चार्ल्स मिशेल, यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा है यूरो, यहाँ की मुद्रा है। आप मैप में देख सकते हो बेल्जियम कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। बात करते हैं फीफा की, तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है फीफा की द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है फीफा की फुल फॉर्म? द फेडरल इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की फुल फॉर्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। अभी हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की हुई है, तो कब हुई इसकी शुरुआत? तो हुई है 29 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई है। और कब से कब तक रहेगा ये? तो 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये सप्ताह की शुरुआत चलता रहेगा, इसका जो सप्ताह है 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को ख़त्म करना तथा नए भारत का निर्माण करना। क्या इसकी इसका विषय क्या है? तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना तथा नए भारत का निर्माण करना सतर्कता जागरूकता सप्ताह की का विषय है। बात करते हैं सतर्कता जागरूक सप्ताह के साथ एक और जयंती मनाई जाती है, तो कौन सी जयंती मनाई जाती है? कौन से देशभक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी इसी वीक में आती है। सतर्कता सप्ताह के बीच में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है, जिनको भारत का आयरन मैन कहा जाता है। किनको आयरन मैन कहा जाता है भारत का? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला कुछ संबंधित है यंग इनोवेटर्स कार्यक्रम।
हाल ही में यंग इनोवेटर्स कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो किस आईआईटी ने इसको आयोजित किया है, तो इसको आईआईटी खड़गपुर ने इसको आयोजित किया है। बात करते हैं इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें 8 से 10 क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जो आईआईटी खड़गपुर में आयोजित हो रहा है ये प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम हो रहा है? यंग इनोवेटर्स कार्यक्रम आईआईटी खड़गपुर में आयोजित हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन समझते हैं, रामायण सर्किट के अंतर्गत रेलवे लाइन। अब जो रामायण सर्किट के अंतर्गत जो रेलवे लाइन है वो नवंबर 2018 से भारतीय रेलवे द्वारा पहला रामायण सर एक्सप्रेस दिल्ली से शुरू होगा। तो पहला रामायण एक्सप्रेस कहाँ से शुरू होगा? दिल्ली से शुरू होगा। साथ में तीन और रामायण एक्सप्रेस शुरू होंगे जो कहाँ कहाँ से शुरू होंगे, वो होंगे जयपुर से, राजकोट से और मदुरई से। दिल्ली से 14 नवंबर को होगा और मदुरई से भी 14 नवंबर को होगा। बात करते हैं जयपुर से, तो जयपुर से होगा 22 नवंबर को और राजकोट से होगा 7 दिसंबर को, यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन चालू होगी। अभी किसके अंतर्गत है रामायण सर्किट? तो बात करते हैं, यह है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत है। बात करते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है। यह एक जो हमारे देश में जो देवी स्थान है, जो पूजनीय स्थान है, जो अच्छे अच्छे स्थान है जहाँ पे पूजा की जाती है देवताओं की, तो वो उसमें 15 स्थान है, वहाँ पर ये जो ट्रेनें चलाई गई थी उन स्थानों को कवर करेगी। बात करते हैं इसकी स्थापना कब, लॉन्च कब होती है, तो लॉन्च 2014-2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन समझते हैं, पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन। अब पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है केलांग पहला रेलवे स्टेशन है। बात करते हैं केलांग रेलवे स्टेशन कहाँ पर पड़ता है, तो पड़ता है बिलासपुर मनाली लेह की जो रेलवे लाइन है वहीं पर एक केलांग रेलवे स्टेशन पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन समझते हैं, पेनासोनिक ओपन इंडिया खिताब। अब दिल्ली गोल्फ क्लब में पेनासोनिक ओपन इंडिया खिताब जीता है, तो किसने जीता ये खिताब? तो जीता है खलीन जोशी ने ये खिताब जीत लिया है। किसने जीता है? खलीन जोशी ने खिताब जीता है और ये जीतकर सातवें भारतीय बन गए। कौन से भारतीय? सातवें भारतीय बन गए। कौन बन गए? खलीन जोशी। और इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? पेनासोनिक ओपन इंडिया खिताब इन्होंने जीत लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन समझ देते हैं, नकली खबरों पर निगरानी। अभी हाल ही में फेसबुक और ट्विटर पर जो नकली खबरें हैं उन पर निगरानी रखने के लिए शोधकर्ताओं ने एक वेब आधारित टूल विकसित किया है। एक टूल विकसित किया है, तो किस देश ने इसको विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको विकसित किया है। ठीक है, बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप मैप में देख सकते हो कहाँ पर स्थित है। बात करते हैं इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति को नाम सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा भी सभी जानते हैं अमेरिकी डॉलर, यहाँ की मुद्रा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन संबंधित है आयरलैंड के नए राष्ट्रपति। अभी हाल ही में आयरलैंड में चुनाव हुए, तो वहाँ पर नए राष्ट्रपति का चुनाव किया गया है, तो कौन से राष्ट्रपति ने ये चुनाव जीता है? तो जीता है माइकल डी हिंगिस ने ये चुनाव को जीत लिया है। किसने जीता है? माइकल डी हिंगिस ने चुनाव जीत लिया है। बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति का नाम मैं बता चुका हूँ, माइकल डी हिंगिस यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन समझते हैं ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति। अभी हाल ही में ब्राज़ील में भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, तो अब यहाँ पर बात करते हैं ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो राष्ट्रपति का नाम है जेयर बोल्सोनारो, यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। कौन है? जेयर बोल्सोनारो यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। और किनका स्थान लेंगे ये? तो स्थान लेंगे मिशेल तेमेर का, ये स्थान लेंगे। पुराने राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो मिशेल तेमेर पुराने राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं नए राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो नए राष्ट्रपति का नाम है जेमेर बोल्सोनारो, यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राज़ीलिया है, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ीलियन रियल यहाँ की मुद्रा है। बात करते हैं दुनिया का पाँचवा, ये जो ब्राज़ील है दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से पाँचवा, मतलब दोनों में ही पाँचवा स्थान है ब्राज़ील का, जनसंख्या की दृष्टि से भी और साथ में क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पाँचवा स्थान है इसका, ब्राज़ील का। ठीक है, आप मैं देख सकते हो ब्राज़ील को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मतलब विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018। अब विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में पूरे अक्टूबर में चल रही है, तो मैंने बता भी रहा हूँ शुरू से। बात करते हैं फिर से, ये कहाँ पर आयोजित हो रही है? तो हो रही है बुडापेस्ट में आयोजित हो रही है, जो कि हंगरी की राजधानी है। बात करते हैं इसमें शीर्ष पर कौन रहा है, तो इसमें शीर्ष तालिका में सबसे ऊपर रहा है रूस, और दूसरे स्थान पर रहा है जापान, और तीसरे स्थान पर रहा है यूएसए। बात करते हैं अपने भारत की, भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत रहा है 19वें स्थान पर भारत रहा है। बात करते हैं कितने पदक जीते भारत ने, तो भारत ने मात्र 2 पदक जीते हैं। कितने पदक? 2 पदक, जिनमें से एक रजत है और एक कांस्य पदक है। बात करते हैं रजत पदक किसने जीता है, मैं पहले बताया किसने जीता है, तो रजत पदक जीता है बजरंग पुनिया ने। बात करते हैं कांस्य पदक किसने जीता है, तो कांस्य पदक जीता है पूजा डांडा ने कांस्य पदक
जीता है। तो ये हो गया अपने 30 तारीख के करंट अफेयर, साथ में उनके जीके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में जो वीडियोज है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो अपने चैनल से जुड़ सकें और वो भी अच्छे से अपने करंट अफेयर को साथ में जीके को अच्छे से कर सकें। साथ में इस चैनल पर इंग्लिश के भी लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर इंग्लिश को अच्छे से देख सकते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आगे जो मैं पढ़ाऊँ उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक है जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कंपिटेटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।